कहते थे तफसीर कबीर में, तफसीर कबीर में यह बात मौजूद है, यह बात मौजूद है कि एक दफा हजरत रसूलुल्लाह रौनक अफरोज थे, सरकार एक मकाम पर रौनक अफरोज थे। सामने से एक शख्स गुजरता है, उसके हाथ में उसका घोड़ा है, बहुत ही खूबसूरत घोड़ा है। मुस्तफा ने सवाल फरमाया कि इस घोड़े की क्या कीमत है? उस शख्स ने कहा कि इसकी कीमत है 400 दिरहम। मुस्तफा ने फरमाया ठीक है। मुस्तफा तशरीफ लेके गए, लाए 400 दिरहम उसका पकड़ा, कहा ये 400 लोग। जब उसने 400 पकड़ लिए, उसने देखा कि यहाँ तो कोई बार्गेनिंग नहीं होती, बल्कि जो मांगो वो मिलता है। उसकी नियत खराब हुई, उसने कहा मैंने 400 नहीं, मैंने 800 कहा। मुस्तफा ने फरमाया नहीं, तुमने 400 कहा था। कहा नहीं, मैंने 800 कहा था। सरकार ने फरमाया तुमने 400 कहा था। उस घोड़े वाले ने कहा कि आपकी शरीयत ही कहती है ना कि अगर कोई गवाह हो तो बात खत्म हो जाती है, अगर आपके पास कोई गवाह है कि मैंने 400 कहा था तो पेश करो। पास से हजरत खुदैमा गुजर रहे हैं, वो आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि मैं गवाही देता हूं कि तूने 400 कहा था। उसने 400 लिया और चल पड़ा। अब जरा सुनो सहाबा का क्या ईमान है। सरकार ने फरमाया खुदैमा तू तो यहां था ही नहीं, तूने मेरी बात की गवाही कैसे दे दी? सहाबी का जवाब सुनो और सहाबी का अकीदा सुनो। कहा या रसूल अल्लाह 400-800 की गवाही भी भला कोई गवाही है? आपके कहने पे हमने उसकी गवाही दी है जिसको देखा भी नहीं है। आपके कहने पे हमने उसकी गवाही दी है कि जिसको देखा भी नहीं है। मुस्तफा ने खुदैमा के लिए शकानून बदल दिया, कहा वैसे हमेशा 2 गवाहों की जरूरत होती है। खुदैमा तू जहाँ अकेला गवाही देगा तेरी एक की गवाही सब पे भारी होगी, तेरी एक की गवाही जो है वो सब पे भारी होगी, भारी होगी। और फिर हमें नजर आता है तब सिद्दीक अकबर और उमर फारूक के दौर में कुरान की आयत इकट्ठी की जा रही थी, तो लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अन्फुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम। जब ये आयत पेश की गई, हजरत खुज़ैमा ने ये आयत पेश की, वो आयत इकट्ठी कर रहे थे। हजरत खुज़ैमा से सिद्दीक अकबर ने पूछा कि खुज़ैमा कोई गवाह लाओ। कहा मेरे पास इसका कोई दूसरा गवाह नहीं है। सिद्दीक अकबर ने फरमाया कुर्बान जाऊं मैं मुस्तफा की जात पर कि अगर मुस्तफा तेरे लिए उस दिन कानून न बदलते तो आज उम्मत इस आयत से महरूम हो जाती। आज उम्मत जो है वो इस आयत से महरूम हो जाती। ये मेरे मुस्तफा की जात पर सहाबा का अकीदा था।